तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक और रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। तो जैसे कि देख सकते हैं, हमने गाजर को धो लिया है और बढ़िया से आगे और उसका पीछे थोड़ा थोड़ा काट के उसको रख रहे हैं। इसके बाद हम कद्दूकस करेंगे गाजर को। पहले बढ़िया से इसे काट लेते हैं। देखिए, गाजर को हम काट लिए, अब इसे कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस करते समय आप अपने उंगली को बचा के थोड़ा सा रखना, क्योंकि इसमें उंगली कटने का डर रहता है, तो इसीलिए कद्दूकस थोड़ा सावधानी से करें। और कद्दूकस हम सभी गाजर का अच्छे से कर लेंगे। अगर और ऐसा भी वीडियो आप लोगों को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम एक बड़े से कढ़ाई में, साफ सुथरा कढ़ाई जो थोड़ा साइज में बड़ा हो, उसमें कम से कम 100 से 200 ग्राम घी ले लेंगे, जिसमें कि हम गाजर को अच्छे से भुनेंगे। तो घी को हम ले लिए और कद्दूकस किया हुआ गाजर को देखिए हम डाल देंगे उसमें। इसमें अभी हमें कुछ नहीं मिलाना है, सिर्फ घी के साथ इसे भूनना है। तो हम इसको देखिए भून रहे हैं अच्छे से, घी के साथ मिलते हैं। देखिए इसका कलर दूसरा होने चालू हो जाता है। तो घी के साथ इसे अच्छे से कम 15 से 20 मिनट, 15 मिनट तो पक्का पक्की आप इसे भून लेना। देखिए घी में भूनने के बाद हमारा कलर अब अच्छा खासा चेंज हो चुका है और दिख भी रहा है भुजा गया है। गाजर लाल से ऑरेंज होने लगा। जब ये पूरा ऑरेंज हो जाए तो समझ लीजिए ये पूरा तरह से पक गया है भुजा के। अभी और इसे थोड़ा देर, 5 मिनट लगभग और भुनेंगे, उसके बाद फिर हमारा गाजर तैयार हो जाएगा। देखिए अब हमारा गाजर अच्छे से पूरा ऑरेंज हो चुका है और दबाने पे पूरा पिस जा रहा है, तो ये पूरी अच्छा तरीके से पक गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, दूध डालेंगे। कम से कम इतने से गाजर में हमें 2 से 2.5 लीटर दूध डालना है, वो भी दूध पहले से उबाला हुआ रहना चाहिए 2-3 बार, ठीक है। जैसे 3.5 किलो दूध को हम पहले 2 किलो दूध बनाएंगे और उसके बाद उसे डालेंगे। तो ये देखिए हमने 2 किलो दूध डाल दिया। अब इसे पूरा हमें सुखाना है दूध को अच्छे से मिलाते हुए, ये पूरा दूध सूख जाना चाहिए, तभी गाजर का हलवा टेस्टी बनता है। अब इसे मिलाते रहेंगे और चीनी आपको स्वाद अनुसार अगर डालना है तो चीनी डालिए, नहीं तो गुड़ भी आप डाल सकते हैं। अब देखिए दूध आधा लगभग सूख चुका है, तब हम लोग इसमें चीनी मिला रहे हैं। चीनी आप अपना स्वाद अनुसार मिला सकते हैं। मैंने कम से कम 150 से 150 ग्राम चीनी इसमें डाला है। तो इतना अगर हलवा आप बना रहे हैं तो 150 ग्राम काफ़ी रहेगा, 100 ग्राम 150 ग्राम। अगर और आपको कम खाना है तो और कम डालिए। अब देखिए लगभग सूख चुका है, अभी और ये सूखेगा और ये गाढ़ा होगा हलवा, तब जाके इसका अपना टेस्ट आएगा। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसमें ड्राई फ्रूट्स और वगैरह डाल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।